मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों। मुंबई की एक अदालत ने मानखुर्द इलाके में 30 साल की एक महिला के साथ बलात्कार के मामले में 4 आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है। लाउडी डांस देखकर ये महिला अपने घर लौट रही थी और इन चारों लोगों ने महिला से बलात्कार किया था। अदालत ने कहा कि ये गंभीर अपराध है और सत्र न्यायाधीश एस जे घरात ने आरोपी प्रणय इंगले 24 वर्षीय, अमोल इजाक 23 वर्षीय, संदीप शिवाजी कांबले 24 वर्षीय, अजय कांबले 24 वर्षीय के खिलाफ सजा पारित किया है। मुंबई के गोरेगांव में पति ने पत्नी की दम घोटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने प्रयागराज से ट्रेन में सफर करने के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गोरेगांव ईस्ट संतोष नगर का है। आरोपी पति का नाम अंसार अली है। अंसार अली काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था और उसकी बीवी का साथ किसी गलत महिला के साथ हो गया था और हमेशा ये फ़ोन पर बिजी रहती थी, देर रात तक घर से बाहर रहती थी। अंसार ने कई बार अपनी बीवी को समझाया मगर इसके बावजूद भी वो समझने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद अंसार ने तकिए से उसका मुँह दबा कर उसे मार डाला। पुलिस ने आरोपी अंसार पर 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से गोरखपुर जाने वाली स्पाइस जेट की बोइंग 737 की फ्लाइट में 37,000 फीट ऊंचाई पर खिड़की में दरार पड़ गया। आनन फानन में जहाज को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया जिसमें सभी यात्री सुरक्षित हैं और एक बड़ा हादसा टल गया। टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी की थी मगर अब मुंबई में नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। नुपुर शर्मा पर IPC की धारा 153A, 295A और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि ये FIR रजा एकेडमी की तरफ से दर्ज करवाई गई है और इस पूरे मामले में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी भी हो सकती है। मुंबई में ज्वेलर्स की दुकान में लूट की चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दो बाइक सवार लुटेरों ने ज्वेलर्स की दुकान में चाकू की नोक पर पहले धमकाया, उसके बाद मिर्च पाउडर डालकर करीब 55,000 की लूट की है। घटना मुंबई के VP रोड की है। पुलिस इस पूरे मामले में CCTV फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।